हेलो एवरीवन, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश में तारुफ करवाना बना देने वाला हूं बहुत ही आसान। दोस्तों, कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपको इंग्लिश में तारुफ करवाना पड़ता है, जैसे कि क्लास, स्टेज, प्रेजेंटेशन हो सकती है, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप फर्स्ट टाइम गए हैं, राइट? और आपको कहा जा सकता है कि आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, या सिंपली अगर वो आपको ये नहीं कहते कि आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और सिंपली आपसे वो इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस करवाने का कह दें, यानी आपको कह दें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल अस अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके? तो आपको जवाब इंग्लिश में ही देना है, राइट? हाँ, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं कि जैसे आपको मुनासिब लगे आप उर्दू में भी इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं या इंग्लिश में भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्शंस ना दी जाएँ तो जब आपसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करवाने का कहा जा रहा है, यानी इंग्लिश में बोला जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही करवाना है। दोस्तों, अगर बिल्कुल बिगिनिंग में ही यानी इंट्रोडक्शन करवाते हुए अगर आप घबरा गए तो खुद को आगे बैलेंस रखना, मेंटेन रखना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है और समझ लेना है कि आपने अपना तारुफ कैसे करवाना है इंग्लिश में। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ठीक तरह से सीखेंगे नहीं तो इंट्रोडक्शन करवाते हुए आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सो इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली अपना इंट्रोडक्शन करवा सकें और आगे भी आपके लिए इंग्लिश में बातचीत करना या इवन अगर आप उर्दू में भी बातचीत करते हैं बाद में तो आपके लिए आसान रहे, आप कॉन्फिडेंट रहें स्टेज पर भी और इंटरव्यू में भी, हर जगह पर जहां पर आपको इंट्रोडक्शन करवाना पड़े। दोस्तों, मैं हूं आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं वो कैबिन योर यूट्यूब चैनल पर। यूं ही बासानी हमारे साथ उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आइए दोस्तों, सीख लेते हैं इंग्लिश में तारुफ करवाना। जी दोस्तों, तो सबसे पहली बात, आप जब भी किसी से मुलाकात करते हैं तो आपने ग्रीटिंग्स लाजमी करनी है, राइट? तो ग्रीटिंग्स क्या है जी? हमारे पास दो तरह से ग्रीटिंग्स हैं, यानी हेलो हाय करना किसी को, तो आपने दो तरह से ग्रीटिंग्स करनी होती हैं, ठीक है? नंबर वन, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, ठीक है, और नंबर टू, फॉर्मल ग्रीटिंग्स। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है, ज़रा ये थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉर्मल वो ग्रीटिंग्स होती हैं, वो हेलो हाय होती है जो आप अपनी स्टडीज़ की जगह पर और जहाँ आपका काम हो, बिजनेस हो, ऑफिस हो, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं, ठीक है? ओके, सो फॉर्मल और इनफॉर्मल, हमारे पास दो तरह से ग्रीटिंग्स आ गई जी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, और ये हम कब यूज़ करते हैं, किन के साथ यूज़ करते हैं? दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारी खुली गपशप हो, हम उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हों, दोस्ताना ताल्लुक़ हो हमारा, तो उनके साथ हम ये वाले जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट, ये वाले जो ग्रीटिंग्स हैं ये सारे, ये आपने इन लोगों के लिए यानी जो फॉर्मल हैं उनके लिए यूज़ नहीं करने, जबकि ये वाले जो हैं ये आप इनके लिए यानी इनफॉर्मल वाले लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी इनफॉर्मल को आपने फॉर्मल वाली जगह पर यूज़ नहीं करना, जबकि फॉर्मल वालों को आप इनफॉर्मल वाली जगह पर यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? आमतौर पर आप किसी को भी कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राइट? लेकिन हाउडी एंड व्हाट्सअप ये आप अपने बॉस को, टीचर को नहीं कहते, ठीक है? यानी ये ऐसे अल्फाज हैं जो आप जिनके साथ आप यार वाले और बड़ी वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनके साथ आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है? जबकि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आप उनके साथ यूज़ करेंगे जो आपके लिए मुअज्जज़ हैं, जो आपके लिए रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है? आपसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, ठीक है? तो ये हो गए हमारे पास दो तरह के ग्रीटिंग्स जी। तो अब ज़रा ग्रीटिंग्स करना सीख लेते हैं। आप किसी को मिलते ही, देखते ही कह सकते हैं हाय या हे या हेलो, और अगर इन तीनों में से आपको कोई ये वाला वर्ड बोले हाय, तो आप उसे जवाब में हेलो भी कह सकते हैं या उसे हाय भी कह सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई है बोले तो आप ही आगे से यही बोल सकते हैं हे, हेलो, ठीक है? और साथ आप हालचाल भी पूछ सकते हैं आगे, हाउ आर यू, ठीक है जी? अब हमारे पास है हाउडी।
हाउडी बेसिकली हाय कहने का ही एक तरीका है, ठीक है। और जब आपको कोई हाउडी बोले, वैसे नॉर्मली पाकिस्तान में ये नहीं बोला जाता, राइट। बहरहाल अगर कोई बोले तो आप आगे से सर हिला सकते हैं, या एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ठीक है, सब ठीक ठाक है, फाइन भी आप कह सकते हैं, ओके। या आप हेलो भी आगे से कह सकते हैं, ठीक है, तो हेलो का जवाब भी दे सकते हैं आप इसके रिप्लाई में, राइट, ओके। सो इसी तरह से है जी व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का मतलब सिंपली है जी कि सब कैसा जा रहा है, सब कैसा है, ठीक है, क्या चल रहा है। तो आप कह लीजिए नथिंग मच या एज़ यूजुअल, राइट। तो इतना जवाब भी इसका आप दे सकते हैं, ओके। अच्छा जी, अब है जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग आप कह सकते हैं सुबह जब से आप उठे हैं उस वक्त से लेकर 11:30 बजे तक, ठीक है, और 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास आप गुड नून कहेंगे। 12 बजे के बाद 4 से 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, ठीक है जी। तो गुड इवनिंग आपने शाम 4 से 5 बजे से ऑनवर्ड रात सोने तक आप कह सकते हैं, लेकिन सोते हुए अगर आपने किसी को विश करना है तो आप उसे गुड नाइट कहते हैं, ठीक है। रात को अगर आप किसी से मिलें तो आपने उसे गुड नाइट नहीं कहना, क्योंकि गुड नाइट आप तब कहते हैं जब आप किसी को सोने की विश करें, अच्छी विशेस करें, राइट जी। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करवाते हुए अपना नाम कैसे बताना है। तो इसके दो तरीके हैं, नंबर 1 फॉर्मल एंड नंबर 2 इनफॉर्मल जी। तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि फॉर्मल तरीकाकार हमने किन लोगों के साथ यूज़ करना है, किन सिचुएशंस में यूज़ करना है, और इनफॉर्मल कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, कैसे लोगों के साथ यूज़ करना है। तो आपने दिस इज़ और आसिम करके अपना नाम नहीं बताना, ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। यूज़ होता है, लेकिन ये रेडियोज़ और जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर लोग यूज़ करते हैं, राइट। आपने इंटरव्यू या क्लासरूम और इस तरह की जो प्रेजेंटेशंस हैं वहाँ पर आपने ऐसे नाम नहीं बताना, दिस इज़ आसिम, दिस इज़ हसन वगैरह, ठीक है। और माई सेल्फ ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, माई सेल्फ आसिम। तो आपने आइंदा माई सेल्फ करके इंट्रोडक्शन हरगिज़ नहीं करवाना दोस्तों, अपना नाम ऐसे बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है, ये ग्रामेटिकली गलत है, इंग्लिश में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आ गया है जी। तो अब देखें कि हमने कौन से सेंटेंसेस यूज़ करके अपना नाम बताना है। माई नेम इज़, और उसके बाद आप लिख लीजिए, बोल लीजिए अपना नाम, माई नेम इज़ आसिम, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा फ्लुएंटली भी बोल सकते हैं, जैसे माई नेम इज़ आसिम, ठीक है, इज़ अलहदा से मत बोलिए, माई नेम इज़ आसिम, ठीक है। और दूसरा तरीका है आई एम, और उसके बाद आप अपना नाम बोलिए, आई एम आसिम, ठीक है। और इसको थोड़ा फ्लुएंटली बोलने के लिए आप इसकी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कीजिए, आई एम आसिम, ठीक है, आई एम आसिम। ऑलराइट दोस्तों, सिर्फ ये दो तरीके हैं बेहतरीन जिनको आप यूज़ करके अपना नाम बताएंगे। हाँ, एक और पॉइंट, अगर आपका नाम लेंथी हो, लेट्स से आपके नाम में 4 से 5 वर्ड्स हों, 3 वर्ड्स हों, राइट, तो जो आपका इंटरव्यूअर है वो हर बार आपका नाम रिपीट ना करे, उसे मुश्किल ना हो, तो आप उसे कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहें जी माई नेम इज़ मोहम्मद आसिम इस्माइल, ठीक है, और आपने अब इंटरव्यूअर की आसानी के लिए इंटरव्यूअर को कहना है कि यू कैन कॉल मी आसिम। अच्छा जी, ऐसे लोग जो आपके हम उम्र हों, आपके बराबर के दर्जे के हों, ठीक है, आपके साथ उनकी खुली गपशप हो, फ्रैंकनेस हो, ओपन माहौल हो, तो उनके साथ आप कुछ इस तरह से अपना नाम बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है। हे गाइस, गाइस मतलब लड़के लड़कियां सब आ जाएंगे इनमें, हे गाइस आई एम आसिम, ठीक है, ओके, हाय एवरीवन आई एम आसिम, हे आई एम आसिम, राइट, यानी यहां पर आप अपना नाम बताते जाएंगे, हाय और हेलो आई एम आसिम, ठीक है। तो इस तरह से इनफॉर्मल सिचुएशंस में आप अपना नाम बता सकते हैं, राइट, ओके जी।
जी दोस्तों, अब सीखते हैं कि रिहाइश की जगह बताने के लिए इंग्लिश में किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। आई बिलोंग टू और उसके बाद अपनी सिटी का नाम बता देंगे, ठीक है? और अगर आप किसी बाहर कंट्री में हैं, अब्रॉड में हैं, तो आप अपनी कंट्री का नाम बता देंगे, ठीक है? ओके। और आई एम फ्रॉम, वही बात है, सेम, लेकिन कहने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं, राइट? आई एम फ्रॉम एंड आई बिलोंग टू, ठीक है? ओके जी, अगर आप उसी शहर के हों जहाँ आपका इंटरव्यू किया जा रहा है, तो आप कुछ इस तरह का सेंटेंस भी कह सकते हैं। आई बिलोंग टू, लेट्स से आप लाहौर से हैं और आपका इंटरव्यू भी लाहौर में हो रहा है, तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू लाहौर इटसेल्फ, ठीक है? मैं लाहौर से ही हूँ, मैं लाहौर का ही हूँ, आई एम फ्रॉम लाहौर इटसेल्फ, ठीक है? तो इस तरह से आप इंग्लिश में अपनी रिहाइश की जगह बता सकते हैं, ठीक है? यानी आप कहाँ से हैं। जी दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू में अपने फैमिली के बारे में बताना पड़े, तो आप कुछ सिचुएशंस आपके लिए रख दी गई हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी फैमिली के बारे में इंग्लिश में बता पाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है? तो सबसे पहली सिचुएशन ये है कि मेरी फैमिली में मेरे वालिदैन के अलावा हम तीन भाई और दो बहनें हैं। जी, तो अब आप ये समझ लें कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके वालिदैन हैं और आपके भाई और बहनें हैं, राइट? ओके, तो इसमें आप कुछ इस तरह का, इस सिचुएशन में आप कुछ इस तरह का सेंटेंस यूज़ करेंगे। इन माई फैमिली, यहाँ से बात शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप कहेंगे मेरे वालिदैन के अलावा। ये आपकी इंग्लिश को अच्छा कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर रहा है, ठीक है? अपार्ट माई पेरेंट्स, ठीक है, अपार्ट माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन के अलावा, वी आर थ्री ब्रदर्स, वी आर, यहाँ से आगे बात शुरू हो जाएगी जी। पहले आप बहनों के बारे में बता लें या भाइयों के बारे में, तो नंबर आ जाएगा, उसके बाद ब्रदर्स और सिस्टर्स जो आप पहले रखना चाहें, थ्री ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, ठीक है? इन माई फैमिली अपार्ट माई पेरेंट्स, वी आर थ्री ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स। तो इस तरह से अगर आप एक सिंगल फैमिली हैं, तो आप ऐसे अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, ठीक है? अब देखते हैं जी कि मेरी फैमिली में मुझे शामिल करके छह लोग हैं, दादा दादी, अम्मी अबू, मैं और मेरी बहन, ठीक है? तो ये एक दूसरा तरीका आ गया, जिसमें पहले आप बता रहे हैं जी कि मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं देर आर सिक्स मेम्बर्स इन माई फैमिली, देर आर सिक्स मेम्बर्स इन माई फैमिली। यहाँ तक बात हो गई मुकम्मल कि मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, ओके? अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछता है, आपको इंट्रोडक्शन में ये बताना पड़ता है कि हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो आप सिंपली इतना भी जवाब दे देंगे, ठीक है? देयर आर सिक्स मेम्बर्स इन माई फैमिली, ठीक है? और आगे आप बताएं या ना बताएं, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपसे सिर्फ नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स पूछा गया है, ठीक है? ओके, सो देयर आर सिक्स मेम्बर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, grandparents, parents, I and my sister। यहाँ पर आपने मी नहीं कहना, ठीक है? ओके, वो आपने इधर कह लिया। ऑलराइट जी, सो देर आर सिक्स मेम्बर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, grandparents, parents, I and my sister। तो आपने इस तरह से ब्रेक्स लेकर आराम आराम से बताना है, ठीक है? आपने भगदड़ नहीं मचा देनी, लाइक देर आर सिक्स, there are six members in my family including me, grandparents, parents, I and my sister, ठीक है? तो इतना मतलब तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? रुक कर तसल्ली से, तहमुल से इंटरव्यू देना है, ठीक है? ओके, there are six members in my family including me, grandparents, parents, I and my sister, ओके। सो अगर आप तहमुल से रुक रुक कर जवाब देंगे, तो आपको जो सेंटेंसेस हैं वो भी बनाने का मौका मिलेगा, और साथ साथ आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और आपका जो इंटरव्यूअर है वो भी आपसे इम्प्रेस होगा, उसे अच्छा लगेगा कि बंदा बड़ा स्टेबल है, ठीक है? बड़ा ठहर के बात करता है, यानी इसे बात करने का अच्छी तरह से आइडिया है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फैमिली के बारे में मज़ीद मुख्तलिफ सिचुएशंस देखते हैं कि हम फैमिली के बारे में कैसे बता सकते हैं जी। मैं एक इनफरादी ख़ानदान
इनफरादी ख़ानदान के लिए यहाँ पर आप न्यूक्लियर फैमिली का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली अब क्या होती है जी, एक ही पेरेंट्स, ठीक है, और उसके बच्चे जिस फैमिली में हो उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है, यानी वालदैन और उसके बच्चे हों, आगे ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ना हों, ठीक है, तो उस फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड टू सिस्टर्स, ठीक हो गया जी। तो ये फैमिली के बारे में बताने का एक और अच्छा बड़ा ही खूबसूरत तरीका आ गया, जिसमें आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड भी ऐड हो गया, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। अब जी आगे देखते हैं, मेरी फैमिली में चार लोग हैं, तो फैमिली के मेम्बर्स बताने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सेंटेंस है, देर आर फोर पीपल इन माई फैमिली। उसके बाद आप लिस्ट बताएंगे जी, कौन कौन है, मेरी बीवी, मेरे दो बेटे और मैं जी, तो माई वाइफ, माई टू सन्स एंड माई सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। ओके, अब देखें जी, अगर आपकी फैमिली बहुत ही छोटी है तो आप ये फिक्रे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, मेरे दो भाई हैं और एक बहन है। आई जस्ट हैव वन सिस्टर, या आप यहाँ पर वन ब्रदर भी कह लीजिए, ठीक है, और या फिर आई एम द ओनली चाइल्ड, ठीक है, आई एम द ओनली चाइल्ड, यानी मैं अकेला हूँ जी। दोस्तों, तो फैमिली के बारे में आई होप आपने बताना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं जी, मज़ीद कुछ सेंटेंसेस हैं फैमिली के बारे में बताने के लिए, कि मेरे दो बड़े भाई और एक बड़ी बहन है, मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। तो एक ये सिचुएशन है जिसमें आप अपनी फैमिली के बारे में बताना चाह रहे हैं। आई हैव टू ओल्डर ब्रदर्स एंड वन ओल्डर सिस्टर, और फिर आप कहेंगे आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, ठीक है, आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली जी। आई हैव टू ओल्डर ब्रदर्स, मेरे दो बड़े भाई, एंड वन ओल्डर सिस्टर, और एक बड़ी बहन है। आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। तो एक ये अलग सिचुएशन आ गई, ठीक है, जिसमें आप अपनी फैमिली में बड़े छोटे होने की भी बात कर रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, मेरी सिर्फ एक बड़ी बहन है जो मुझसे 5 साल बड़ी है। आई हैव जस्ट वन सिस्टर हु इज 5 years ओल्डर दैन मी, ठीक है, ये जो दैन है ये ई वाला नहीं है, ये ए वाला है, ठीक है। आई हैव जस्ट वन सिस्टर हु इज 5 years ओल्डर दैन मी, मेरी सिर्फ एक बड़ी बहन है जो मुझसे 5 साल बड़ी है। ओके, सो ये वर्ड है हु इज, एक, ठीक है, हु इज, इसको हमने शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्शन बनाकर हुज़ कर दिया। ओके, एक हुज़ होता है ये वाला, इसका मतलब होता है किसका, ठीक है, हुज़ पेन इज दिस, ये किसका पेन है जी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, आई एम द मिडल चाइल्ड, मैं मंझला बच्चा हूँ, ठीक है, यानी दरमियान वाला, एक बड़ा है एक छोटा है और मैं दरमियान का हूँ। माई ब्रदर इज़ 2 years ओल्डर एंड आई हैव अ यंगर सिस्टर, माई ब्रदर इज़ 2 years ओल्डर, मेरे बड़े भाई 2 साल बड़े हैं, एंड आई हैव अ यंगर सिस्टर, और मेरी एक छोटी बहन है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव 3 kids, 2 girls एंड अ बॉय, ठीक है, 2 लड़कियां, 2 बच्चियां और 1 बच्चा, ठीक है, यानी लड़का जी। दोस्तों, तो फैमिली के बारे में हमने बताना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप अपनी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक यहाँ से सेंटेंस अरेंज कीजिए और अपनी फैमिली के बारे में बताना सीखिए। ओके, अब दोस्तों, तालीम के बारे में हमने कैसे बताना है ज़रा ये सीख लेते हैं। आप सबसे पहले अगर छोटी क्लास में हैं या किसी भी क्लास में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास 8, ठीक है, आई एम इन क्लास 8, या आप कह सकते हैं आई एम इन 8th class। यहाँ पर आप इसको 8th या इस तरह से अजीब सी प्रोनंसिएशन बनाकर बिल्कुल इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, आपने इसको सिंपल सा बोलना है 8th। अब आपको चीख कर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने TH भी यहाँ पर प्रोनाउंस कर दिया है, लाइक 8th, राइट, आपने ऐसे हरगिज़ नहीं बोलना। आप सिंपली बोलिए आई एम इन 8th class, और
आप स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं क्लास की जगह, ठीक है? ओके, सो आई एम इन क्लास एट या आई एम इन एट क्लास। ओके, अगर इनके फौरी बाद आप क्लास लगाएंगे तो एट होगा, और अगर आप इनके फौरी बाद आप नंबर बताएंगे कि कौन सी क्लास में है तो उसके साथ टी एच लगेगा, ठीक है? यहाँ पर जैसे लगा हुआ है। ओके, और उसके बाद क्लास आ जाएगा। अगर आपकी क्लास है सेकेंड तो उसके साथ एन डी आ जाएगा, ठीक है? अगर थर्ड है तो उसके साथ आर डी आ जाएगा। ऑलराइट, सो इसी तरह से अगर पांचवी है तो फिफ्थ आ जाएगा। राइट, सो इन बातों का ख्याल कीजिए। ओके, आई एम अ ग्रेजुएट, और आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कह सकते हैं, ठीक है? यानी आप अपने जो डिग्री है आपकी, आपने जहाँ तक ग्रेजुएशन की हुई है आप उसके बारे में बताएंगे। आई एम अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट। जी, आप ये भी बता सकते हैं आई एम अ पी एच डी। इसको आपने एच प्रोनाउंस करना है, एच नहीं करना, ठीक है? ये एच नहीं है, ये है एच, एच। आई एम अ पी एच डी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है? ओके, अगर आपकी तालीम अभी जारी हो, यानी लेट्स से आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आपका दूसरा साल चल रहा है किसी डिग्री का, तो आप सिंपली कह देंगे आई एम परस्यूइंग और उसके बाद एम बी बी एस, ठीक है? तो आपकी डिग्री का टाइटल यहाँ पर आ जाएगा, और उससे पहले आप कहेंगे जी आई एम परस्यूइंग, यानी मैं कर रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, आई एम इन एम ए इंग्लिश फर्स्ट ईयर, ठीक है? यहाँ पर आप अगर ईयर्स के साथ मेंशन करना चाहें कि आपने कितना कर लिया है, कौन सा साल आपका चल रहा है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है? आई एम इन एम ए इंग्लिश फर्स्ट ईयर। जी दोस्तों, सो तालीम के बारे में बिल्कुल आसानी से आप इस तरह से बता सकते हैं। अब देखते हैं जी कि आपकी स्किल्स या क्वालिटी, आप क्या क्या स्किल्स रखते हैं, आपको क्या क्या आता है, ज़रा उस बारे में इंट्रोडक्शन में बात कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले आई हैव डन 3 months ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स फ्रॉम वोकैबुलरी इन 2020। आई हैव डन 3 months ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स फ्रॉम वोकैबुलरी इन 2020। अगर आपने किसी इदारे से कोई कोर्स किया हो तो आप इस तरह से बताएंगे आई हैव डन। उसके बाद ड्यूरेशन बताएंगे कि कितने माह का कोर्स, यानी अगर 6 months का है तो 6 months कोर्स, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए जी 6 months ऑफ, उसके बाद आप ले आएंगे उस कोर्स का टाइटल, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ठीक है, वीडियो एनिमेशन या वीडियो एडिटिंग, ऑलराइट, इसी तरह से पेंटिंग या कोई भी कोर्स हो उसका टाइटल आप यहाँ पर लिखिए ऑफ के बाद, ठीक है, और उसके बाद आप फ्रॉम लिखेंगे और फिर इदारे का नाम, उसके बाद इन और फिर ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक है? जी, तो दूसरा तरीकाकार क्या है, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन, अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्किल में आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आप कह सकते हैं आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन और उसके बाद वो कोर्स जो आपने कर रखा है, ठीक है? आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन फॉर एग्जाम्पल यूट्यूबिंग कोर्स, ठीक है, यूट्यूबिंग कोर्स, ओके, या ब्लॉगिंग कोर्स या एसईओ कोर्स, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई भी कह लीजिए, तो वो आ जाएगा आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन, तो उसके बाद उस कोर्स का नाम। ओके, मोर ओवर, मजीद, आप मजीद अपनी स्किल्स के बारे में बता रहे हैं जी, मजीद, आई हैव डन 6 months डिप्लोमा ऑन ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रॉम, उसके बाद इदारे का नाम आ जाएगा, ठीक है? सो ए बी सी जो भी इदारा है, ठीक है? ओके जी, सो स्किल्स या क्वालिटीज़ के बारे में जो जो आपने सीख रखा है, जिस चीज़ में आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जिस चीज़ में आपका तजुर्बा है, वो आप इस तरह से बताएंगे। जी दोस्तों, तो अब ज़रा अपनी हॉबी के बारे में इंग्लिश में बताना सीखते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स यूज़ करेंगे, माई हॉबी इज़, उसके बाद आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आपका हॉबी हो,
आप लिसनिंग टू म्यूज़िक कह सकते हैं, रीडिंग बुक्स कह सकते हैं, कुकिंग कह सकते हैं, सिंगिंग कह सकते हैं, ठीक है। माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, माय हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, माय हॉबी इज़ कुकिंग, माय हॉबी इज़ सिंगिंग, या इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव कुकिंग, आई लव सिंगिंग, ठीक है। और अगर दो हॉबीज़ हों या दो से ज़्यादा हों तो आप कह सकते हैं माई हॉबीज़ आर और उसके बाद कुकिंग एंड रीडिंग बुक्स, ठीक है दोस्तों जी। तो जब फाइनली आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपने लास्ट में ये दो सेंटेंसेस में से कोई एक लाजमी कहना है, ठीक है, ताकि आपका जो एंड है वो अच्छा हो, ठीक है। आप अपना इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं तो आप कह लीजिए दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ठीक है। और फिर आप ये भी कह सकते हैं थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू मी, ठीक है, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू मी। ऑलराइट, प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा इन छोटे छोटे सेंटेंसेस की। ये कहने को तो छोटे हैं लेकिन जब आप किसी के सामने बैठकर बोल रहे होंगे तो मुश्किल पैदा कर सकते हैं, ख़ासतौर पर जब आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बोल। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपके लिए अब इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करवाना हो चुका होगा बहुत ही आसान। आपने इन तमाम सेंटेंसेस को एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करना है, वो कुछ इस तरह से कि आप हर एक सिचुएशन पर एक एक सेंटेंस बनाइए, यानी अपनी फैमिली के बारे में अलग से लिखिए, अपनी स्किल्स के बारे में अलग से लिखिए, खुद से लिखिए, ठीक है। और जो मैंने आपको सेंटेंसेस बनाए हैं शॉर्ट से, इनका जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करते हुए अपना इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली लिख लीजिए, ठीक है, और उसको फिर बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, राइट, तभी आपका इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से इंग्लिश में हो पाएगा। So my dear friends, this is it for today. We'll be talking in the very next video. Take care. See you next time.